नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। भागलपुर नगर निगम लाख दावे कर ले समुचित व्यवस्था के, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही है। हम खड़े हैं वार्ड नंबर 33 कृष्णापुरी लैंड, प्राणवती लैंड, कृष्णापुरी कॉलोनी में, जो कि हवाई अड्डा से कुछ मीटर की दूरी पर, 500 या 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। कॉलोनी में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ना बिजली की व्यवस्था है, ना ही नाले की व्यवस्था है, और ना ही यहाँ पर वार्ड में कूड़ेदान लगाए गए हैं। खासकर स्थानीय जो वार्ड हैं यहाँ के, उनसे लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर कोरोना काल जैसे महामारी में भी कॉलोनी में सैनिटाइजिंग का काम नहीं किया गया है। बहुत सारी समस्याएं हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं। अपने वार्ड पार्षद से ये लोग जो है नाराज हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या समस्या कॉलोनी में, मुख्य समस्या क्या आ रही है? मुख्य समस्या हम लोगों का जो है, नाम बता दीजिए। मैं रंजीत कुमार चक्रवर्ती, कृष्णापुरी कॉलोनी वार्ड नंबर 33 का वासी। समस्या हम लोगों के साथ जो है, बहुत बड़ी समस्या ये है कि ना तो मोहल्ला में कहीं पर नाला है, ना तो कहीं पर रोड है, ना तो आज तक कोई वार्ड पार्षद हम लोगों के बीच आकर ये कहा कि हाँ आप लोगों की ये समस्या है, ये समस्या का निदान होना चाहिए। और अगर हम लोग वार्ड कमिश्नर के पास में जाते हैं तो आप सीधा हम लोगों को यही जवाब मिलता है कि क्या आप लोगों का काम करें, आप लोग तो हम लोगों को वोट देते नहीं हैं, आप जिनको वोट देते हैं उनको कहिए काम कराने। तो हम लोग आखिर जाएँ कहाँ? हम लोग किसी नेताजी को भी अगर जाकर कहते हैं, यहाँ के विधायक को कहते हैं, तो वो लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं कि ठीक है, आप फलाना तारीख को आइएगा, आपके यहाँ आएंगे। हम लोग कई बार शाहनवाज बाबू से भी बात किए, उन लोगों से दस्तखत भी करवाए पेपर पर कि जो है यहाँ का बिजली का जो समस्या है वो समस्या का निदान आपका हो जाएगा। लेकिन नगर निगम में क्यों नहीं जाकर मिलते? हम लोग नगर निगम में कई बार मिले। हम लोगों के यहाँ एक बार फंड आया 20 लाख रुपया का, पास हुआ कि आप लोगों का रोड और नाला बनेगा, लेकिन वो भी रोड और नाला पैसा रुपया कहाँ गया हम लोगों को पता नहीं। हम लोग उस पर केस किए, जो कि हम लोगों के फेवर में केस हुआ, फिर भी आज तक कुछ नहीं हुआ। ये अजीत बाबू जो है हम लोगों के यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनके द्वारा थोड़ा बहुत हम लोगों का मोहल्ला के अंदर का रोड बनाया गया, जिसके कारण कि मोहल्ला में कीचड़ जो होता था उससे हम लोग थोड़ा सा हम लोगों को निजात मिला। और हम समझते हैं कि हम लोगों का शायद कोई यहाँ पर कोई प्रतिनिधि, जो भी जनप्रतिनिधि जो भी हैं, जो आज खड़ा होना चाहते हैं या खड़ा होकर फिर यहाँ से चले गए हैं, किसी ने आज तक हम लोगों का सूद नहीं लिया। तो हम लोग तो निराश हैं कि शायद हम लोग यहाँ पर ऐसा आदमी बस गए हैं जो कि हम लोगों का कोई भविष्य नहीं है। और भविष्य के लिए तो सिर्फ आदमी को चाहिए कि वहाँ की समस्या को, जैसे कि किसी का घर से बच्चा निकला रोड पर, कीचड़ गिर गया, बच्चा को स्कूल भेजने के लिए उसका जो है सो अपना गाड़ी से या पैदल जो जाएगा, उसका बढ़िया साधन नहीं है, रोड नहीं है, तो हम लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। अभी मोहल्ले में सर कूड़ेदान, कहीं पे कूड़ेदान नहीं, तो कूड़ा कहाँ फेंकते कहाँ? हम लोग कूड़ा ऐसे ही किसी जगह जाकर जहाँ पर देखे कि यहाँ पर जगह थोड़ा सा खाली है, जंगल झाड़ है, उसी जगह कूड़ा फेंक देते हैं। बाहर में कूड़ा फेंकना? बाहर में कहीं पर कूड़ा फेंकते हैं तो कभी कोई बोल देता है कि आप यहाँ पर कूड़ा क्यों फेंकते हैं, तो हम लोग मजबूर हैं कि हम लोग उसका बात को सुन लेते हैं, क्योंकि मेरे मोहल्ला में ना तो कूड़ादान है, ना तो एक स्ट्रीट लाइट है। अब बिजली की समस्या, स्ट्रीट लाइट नगर निगम के द्वारा नहीं, एक भी आज तक नहीं मिला है हम लोगों को आज तक एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं मिला। एक स्ट्रीट लाइट मिला है जो कि हम लोगों का हंसल बाबू जो है सो उनको जब कहे तो उनके द्वारा भेजा गया, तो वो आज मेरा यहाँ पर एक थू मोहल्ला में लगा हुआ है जो कि सब कोई देख सकता है आकर, जो कि दूसरे वार्ड के प्रतिनिधि हैं, जो कि वहाँ के मतलब कि ये हैं वार्ड पार्षद हैं, तो उनके द्वारा हम लोग जब कभी जाते हैं तो उनको कुछ समस्या बताते हैं तो हम लोगों का कुछ समाधान करने का कोशिश करते हैं, पर वो दूसरे वार्ड का है तो समाधान उनका कैसे होगा हम लोगों के यहाँ। फिर भी वो कोशिश करते हैं कि कुछ समाधान हो जाए। कुछ लोग और कूड़ा का उस समय कूड़ा पड़ती जमीन में हम लोग फेंकते हैं, इधर उधर जमीन पड़ा हुआ है उसमें फेंकते हैं, तो जिसमें आप फेंकते हैं जिसका जगह है वो हम लोग को बात कहने लगता है कि यहाँ पे क्यों फेंकते हैं, और हम लोग को कहीं पे सुविधा है ही नहीं फेंकने के लिए, चलने के लिए रोड हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, जब बारिश पड़ता है तो बहुत दिक्कत होता है। वार्ड पार्षद से नहीं मिले? वार्ड परिषद से मिले हम लोग, जो कूड़ादानी के लिए यहाँ से कॉल भी किए थे कि हम लोग को ये कूड़ादानी चाहिए, वो बोले क्या कूड़ादानी नहीं है, खत्म हो गया है, अभी कूड़ादानी नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना जो ये बीमारी लेकर के जो ये हुआ,
हर वार्ड में सुविधा मिला गरीब लोग को, बहुत सारा चीज बांटा गया, लेकिन हम लोग आज तक वार्ड कमिश्नर जो है कि देखने के लिए भी नहीं आया कि गरीब लोग को क्या दिक्कत है क्या नहीं है, कुछ हम लोग को सुविधा नहीं मिला ये कोरोना वायरस लेकर के। तो चाहती क्या है अब? हम लोग चाहते हैं हम लोग को सुविधा दे, हम लोग को भी सुविधा दे, हम लोग को भी नाली ठीक करे, हम लोग का भी रोड बनाए। अर्थव्यवस्था यहाँ का सबसे ज्यादा खराब है, तार यहाँ पर गिरा, छोटा छोटा बच्चा खेलता है, कुछ हो जाएगा। कभी आज तक देखने के लिए ही नहीं आए वार्ड कमिश्नर, नहीं आते हैं, जाके मारने भी नहीं आता, आराम से गाड़ी भी नहीं आ पाता है, रिक्शा से आदमी आता है तो डर लगता है गिर जाएंगे। क्या समस्या मोहल्ले में मुख्य समस्या की है वो बताइए? नाला और बिजली का है, और सर क्या क्या होगा? कूड़ेदान का भी, पानी भी नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो आप लोग अपने वार्ड से मिलने के लिए नहीं गए? आपके जो वार्ड पर कोई कोई सुनबे नहीं करता है, तो नगर निगम गए वहाँ से, नगर निगम से क्या कोई सुनाई नहीं देता है सर? क्या समस्या? तो खैर नाले की है, बिजली की है, कूड़ेदान नहीं है, लेकिन अब ये बात यहाँ पर आती है कि आप अपने वार्ड पार्षद से क्यों नहीं मिलते? वार्ड पार्षद से मिलते हैं, वो करने के लिए कुछ तैयार नहीं है सर, वो कुछ सुनते ही नहीं है, वो सुने तब तो कहा जाए। हम लोग एक बार नहीं 1000 बार गए हैं, लेकिन कुछ नहीं हमारे कॉलोनी के विषय में सोचते हैं। कितने दिनों से वार्ड पार्षद हैं? वार्ड पार्षद तो कम से कम ये 15 साल से है। 15 साल से वार्ड पार्षद। सर क्या है, वार्ड पार्षद वाकई में नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। उनका कहना साफ है कि आपका वोट से हम जीतते नहीं है। हाँ। जी जी कुछ बोल। उनका कहना है कि आपका वोट से हम जीतते नहीं है, सो हम आपका क्यों काम करें? सप्ताह में एक दिन झाड़ू लगाने हल्का फलका जरा सा दाएं बाएं करके आया और वो चला गया, बाकी वो आते भी नहीं है। अगर उनको बुलाने भी जाते हैं तो आते नहीं है, वो ये प्रॉब्लम है। उनको आवेदन दिया गया है, ऐसी बात नहीं है, उनको कई बार आवेदन दिया गया है, उनकी सुनवाई कुछ भी नहीं है। आप तो सारे लोगों से अवगत हो चुके हैं, मूलभूत आधार जो है बिजली पानी सड़क, उसके अलावा इस पे यहाँ पर नजर उन लोगों का एकदम नहीं रहता है। हम लोगों ने नगर निगम में भी आवेदन दे रखा है, किसको नहीं दिया, आयुक्त को दिया, सबको दिया है, मगर कोई भी सुविधा हम लोग से वंचित है, बहुत से सारी सुविधाओं से, नगर निगम से भी कुछ कूड़ेदान वगैरह कुछ नहीं है। कई बार उनको जा करके हम लोग देते रहते हैं आवेदन, बोलते रहते हैं, लाइनअप होते हैं, बहुत दबाव डालने के बाद कभी कभी एक आध बार झाड़ू देने 15 दिन 20 दिन पे आ जाता है। ये समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है, और सामने समस्या अवगत है आपके। तो खास तौर पर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो जमीनी स्तर पर जो नगर निगम के कार्य हैं, वो उनके जो दावे हैं, वो दावे की पोल खोलती हुई कृष्णापुरी कॉलोनी है। हम एक बार फिर चाहेंगे कैमरामैन को कि वो शुरू से दिखाएं कि यहाँ पर नाले की जो है, नाले की जरा भी व्यवस्था नहीं है, एक भी नाले नहीं है मोहल्ले में, कॉलोनी में। और खासकर कैमरामैन से चाहेंगे कि वो बिजली की समस्या दिखाए कि तार जो है किस तरह से, ये जो है बिजली के तार लटकते, बांस के खंभे से लटकते ये बिजली के तार, किसी भी वक्त दुर्घटना हो सकती है, घटना हो सकती है, और ये मौत को दावत देती हुई ये तार देख सकते हैं किस तरह से बहुत ही नाजुक से बांस के खंभे से झूलते हुए ये बिजली के तार, और खासकर नाले की समुचित व्यवस्था नहीं, और फिर यहाँ पर जो है कूड़ेदान नहीं, लोग मोहल्लेवासी जो है कूड़ा अपना खुले में फेंकते हैं, और खुले में कूड़ा फेंकने से समस्या ये आती है कि लोग के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और भी कई तरह की समस्याएं हैं। और खासकर लोग जो यहाँ के मोहल्ले के हैं, कॉलोनी वासी हैं, ये अपने वार्ड पार्षद से ज़्यादा नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि वार्ड पार्षद से जब ये अपनी समस्या रखते हैं तो वार्ड पार्षद सुनने को तैयार नहीं है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सलमान अनवर के साथ मैं विकास कुमार सिंह, सिल्क टीवी, भागलपुर।